तो दोस्तों फाइनली अपना टीवी लग चुका और भाई देखो अपनी वीडियो टीवी में चला दी है पहली। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि भाई आज के व्लॉग में आ चुका हूँ अपने नए घर के लिए टीवी लेने के लिए। तो भाई मैंने अपना नया घर लिया है तो उसकी अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है भाई मेरे नए घर की तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, पूरी एक वीडियो बना के प्रॉपर आप लोगों को दिखा दूंगा। और बाकी भाई जो मैं टीवी लूंगा वो लूंगा सोनी का, हमारा उसका भाई प्राइस रहने वाला है हमारा 60,000 से 70,000 के बीच में। तो भाई पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा भाई टीवी हमारा कैसा है, कैसा चलता है, साउंड क्वालिटी क्या, सब कुछ सुनाऊंगा आप लोगों को। तो भाई वीडियो का लंबी ना करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना आज का व्लॉग। दोस्तों पापा भी आ चुके हैं, मैं और कुलदीप भाई यहाँ पर आ गए थे, अब चलते हैं भाई यहाँ से मॉल के अंदर। पापा भी अपनी स्कूटी पार्क कर रहे हैं तो भाई आप लोग पहले मॉल का फ्रंट देखो। तो भाई हम लोग आए हुए मेट्रो मॉल में, इसका नाम है भाई अग्रवाल फन सिटी मॉल। तो दोस्तों हम लोग जो टीवी लेने वाले हैं उसका साइज भाई हमारा 55 इंच रहने वाला है और आज भाई बहुत ज़्यादा खुशी, हम लोग फाइनली सोनी का टीवी लेके आने वाले हैं। और बाकी दोस्तों अगर आप लोगों का भाई प्यार है तो हम लोग बहुत जल्दी प्लेस्टेशन 5 भी ले लेंगे। पहले चलते हैं भाई टीवी देखते हैं अंदर जाकर और प्राइस बताते हैं आप लोगों को लेंगे दीपांशु भाई से। तो भाई पार्टी तुम वगैरह को मिल जाएगी, इस चीज़ की टेंशन ना लो। तो दोस्तों आप लोग जो सामने भाई अभी टीवी देख रहे हो स्क्रीन पे, ये वाला टीवी मैंने बाय कर लिया। तो भाई ये टीवी हमारा सोनी का है और बाकी दोस्तों मैं अगर इसके एमआरपी की बात करूँ तो भाई आप लोग देख सकते हो उसकी एमआरपी हमारी यहाँ पर लिखी भी हुई है भाई, जो कि हमारी 70,990 रुपीज़ है। बाकी दोस्तों मैं आपको दिखाई तो जो मैंने अपना होम थिएटर लिया है, तो दोस्तों आप लोग जो होम थिएटर देख रहे हो भाई सोनी का, मैंने यही वाला होम थिएटर लिया है। तो आप लोग देख सकते हो भाई इसके साथ हमारा एक साउंड बार आता है प्लस ये दो स्पीकर और भाई एक ये बूफर है नीचे जो रखा हुआ होम थिएटर। और बाकी दोस्तों मैं अगर इसके एमआरपी की बात करूँ तो भाई इसके एमआरपी हमारी 17,990 रुपीज़ रहने वाली है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखा दिया भाई जो टीवी हम लोगों ने लिया प्लस भाई जो साउंड बार मैंने लिया, मैंने आपको वो भी दिखा दिया प्लस भाई एमआरपी भी दिखाई है। तो भाई मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कौन सी चीज़ मेरे को कितने की पड़ी है, क्योंकि भाई हमने टीवी का इंश्योरेंस भी लिया है और भाई हमें अपने घर पर आ चुका और भाई हमें टीवी की डिलीवरी भी रिसीव हो गई है प्लस भाई हमारे साउंड बार की डिलीवरी भी रिसीव हो गई है। तो भाई अब मैं अपना साउंड बार करने वाला अनबॉक्सिंग देन भाई उसकी आपका आवाज सुनाऊंगा भाई कैसे उसकी आवाज रहने वाली है। और भाई अभी हम लोग टीवी की अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे टीवी की, क्योंकि भाई इंस्टॉलेशन वाला बंदा जो आएगा वो अनबॉक्सिंग करेगा। तो भाई मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं हमें क्या क्या डिलीवरी में रिसीव हुआ है सारी चीजें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई ये हमारा सोनी का टीवी है जो कि भाई हमारा 55 इंच बनाने वाला है प्लस भाई मैं अगर इसके मॉडल की बात करूं तो भाई इसका मॉडल हमारा X75L है और भाई इसके साथ हम लोगों को एक रिसीव हुआ है ऊपर रखा, आप लोग देख सकते हो भाई टीवी पैनल लोहे का है। तो भाई इसको भी हम लोग खोल नहीं रहे क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं, खाली भाई लोहे की दो पत्ती है ये। तो भाई इसको आपको बाद में दिखा दूंगा भाई ये अपना कुछ टीवी। और बाकी भाई आप लोग यहाँ पर देखो ये अपना पूरा साउंड बार रखा हुआ है। तो भाई ये हमारा साउंड बार सोनी का ही और भाई मैं अगर इसके एमआरपी की बात करूँ तो भाई इसकी एमआरपी हमारी लगभग रहने वाली 18,000 रुपये। तो दोस्तों आइए फटाफट से करते हैं भाई इसको अनबॉक्सिंग और भाई देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी हमारी कैसे आने वाली है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को भाई इसका डब्बा हर तरफ से दिखा दिया और बाकी भाई मैं इसके मॉडल की बात करूं तो भाई इसका मॉडल नंबर हमारा रहने वाला है HTS20R। दोस्तों आइए फटाफट से करते हैं भाई इसको अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों फटाफट से करते हैं भाई इसकी अनबॉक्सिंग क्योंकि यार मेरे से रुका नहीं जा रहा भाई, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसकी आवाज़ सुनने के लिए क्योंकि भाई 18,000 का होम थिएटर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार खरीदा है क्योंकि भाई आप लोगों के प्यार की वजह से। तो भाई करते हैं इसे अनबॉक्सिंग। हम लोगों को मिलता है एक यूज़र मैनुअल, तो भाई फिलहाल इसको रख देते हैं साइड में, इसको देखेंगे बाद में। और भाई यहाँ पर हमारे को मिले हैं ये दो सेल सोनी के रिमोट के लेंगे। तो भाई ये रहा हमारा रिमोट, तो भाई आप लोग इसका पहले रिमोट देखो कुछ इस टाइप का रहने वाला है भाई, बहुत पतला रिमोट है, इसको भी साइड में रखते हैं और सेलों को भी रखते हैं। तो भाई पहले इधर देखते हैं, मेरे ख्याल से ये होगा हमारा ऊपर शायद भाई, इधर एक बिल भी है क्या, ये खाली कागज़ है भाई साइड में रखते हैं। भाई सबसे पहले आता है हमारे हाथ में ये बूफर, अब इसको रखते हैं साइड में, पहले भाई सारी चीज़ें गत्ते से निकाल लेते हैं बाहर। तो भाई ये हमारी तारे हैं, अभी देखेंगे भाई ये इसका शायद वारंटी कार्ड होगा, इन्हें भी रख देते हैं अभी इधर। और भाई ये इसका शायद फॉर्म उठा के ऐसे बाहर निकाल लेनी है। तो भाई अब ये हमारा गत्ता हो गया खाली, भाई फिलहाल इसको रख देते हैं थोड़ा साइड में। और भाई अब इसमें देखते हैं इसके अंदर हमारे को क्या क्या मिलता है, तो खोलते हैं इसे भी। अच्छा भाई इसके अंदर ये आ गया हमारा एक साउंड बार प्लस भाई वायर है, रख देते हैं साउंड बार को अपना आराम से यहाँ। भाई ये एक अच्छा वायर नहीं है, तो भाई ये हो गया अपना एक स्पीकर और ये हो गया भाई अपना दूसरा स्पीकर। तो भाई हमने इसके सारा सामान निकाल लिया है, थर्माकोलों को भाई सारी साइड में कर देते हैं फिलहाल के लिए।
अब दिखाता हूँ भाई आपको अपना ये जिससे हमारा बेस आएगा। तो भाई इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओ भाई क्या कैड़ी लुक आ रही है। तो भाई देखो एक बार ये अपना भाई होम थिएटर क्या कैड़ा ही लग रहा है भाई। ये भाई भारी भी बहुत है वजन में। तो भाई पहले सारी चीज़ें आपको खोल खोल के दिखा देता हूँ। दिखाता हूँ स्पीकर की क्वालिटी। तो भाई देखो स्पीकर भाई यहाँ पर भी अपनी पूरी ब्रांडिंग है सोनी की। स्पीकर भाई ये हो गया अपना एक। फोम को रखते हैं भाई फिर से साइड में। ये वाली पन्नी हो गई। ये आ गया भाई अपना सेम दूसरा स्पीकर। ऊपर भी इसके सोनी की ब्रांडिंग है। अब खोलते हैं भाई अपने साउंड बार को। इसके पीछे भाई अपनी टेपिंग लगी हुई है। दोनों टेपिंग खोल के साउंड बार को कर देते हैं अनबॉक्स। तो भाई ये अपना साउंड बार है आप लोग देख सकते हो भाई। इसमें भाई हमारे तीन स्पीकर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। और भाई ये इसका वायर है। तो भाई इसके भी वायर को पन्नी से बाहर कर देते हैं। तो भाई कुछ आप लोग देखो भाई ये हमारा साउंड बार हो गया भाई। ये हमारे दोनों स्पीकर हो गए, होम थिएटर हो गया। और भाई एक वायर और थी ना भाई, दो वायरें और हैं ये। एक तो भाई ये प्लगइन की। तो भाई ये अच्छा भाई ये ऑक्स है। तो भाई गाने हम लोग जो चलाएंगे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके चलाएंगे। तो भाई आओ फटाफट से कर देते इसके सारे तार कनेक्ट। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो होम थिएटर के पीछे भाई ये सारे तार लगाने के लिए हमारे अलग अलग कलर से दिए हो। तो भाई देखो ये साउंड बार में हमारे सारे अलग अलग कलर है भाई। यहाँ पर अलग है भाई स्पीकर के तारों में जो कलर है भाई, देखो ये भी हमारे अलग है। और भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारा पावर का लगेगा। तो भाई सारे तारों को कनेक्ट कर देते कलर के हिसाब से भाई। एक बारी भाई ये लग गया अपना रेड और भाई इसके बाद लगेगा अपना वाइट। तो भाई ये लग गया वाइट और भाई अब लगेगा हमारा ग्रीन। अरे लग जा भाई ग्रीन भी लगा दिया। और भाई ये वाले तार देखो अपने, ये भाई ब्लू वाला हो गया, ब्लू वाला लगा देते हैं पहले इधर। और भाई ये अपना हो गया ऑफ वाइट से टाइप का। तो भाई ऑफ वाइट भी लगा देते हैं। तो भाई अपने पांचों तार लगा दिए। अब भाई ये अपना हो गया पावर का तार। तो भाई एक पावर का तार भी पन्नी से निकाल रहा हूँ, फिर इसे भी माउंट करके भाई से पावर से कनेक्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड भी उधर दिख रहा है। तो भाई हमें थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा भी सारा सामान लेके, भाई तार ज़्यादा लंबा भी नहीं है। तो भाई पावर का तार भी लगा देते हैं यहाँ। तो भाई मैं आपको उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सुनाता हूँ। भाई थोड़ा से पावर के पास लेके चलते हैं हम लोग, जहाँ पर भाई बोर्ड लग जाए हमारा। दोस्तों बोर्ड में हम लोगों ने भाई स्विच लगा दिया। अब खोल देते हैं इसका, खटका करते हैं ऑन और भाई देखते हैं इसमें करंट आया या नहीं आया। तो भाई इसमें करंट आ चुका है। देखो भाई नीचे लिखा हुआ आ रहा है हेलो। हमने इसे भाई उल्टा रख दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो भाई इसे एक बार घुमा के रख देते हैं। हमने भाई से उल्टा ही रख दिया भाई, एक बार इसे घुमा भी देता हूँ। अरे अरे गंदा भी हो गया इतनी जल्दी भाई। गंदा हो गया तो बहुत ज़्यादा, नीचे से थोड़ा हाथ मार दिया। आप लोग देख सकते हो भाई इसके ऊपर भी ना ये टच बटन दे रखे भाई। हमने होम थिएटर अपना उल्टा रख देते जिस वजह से ये ऐसा हुआ है। तो भाई देखो यहाँ पर ये ब्लूटूथ का दे रखा है, इसको दबा देते हैं भाई। ब्लूटूथ का दबा दिया भाई। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेयरिंग। तो भाई फटाफट से अपने फ़ोन से करते हैं कनेक्ट। और भाई आप लोग बता दो किस नाम से आता है ब्लूटूथ ये। तो भाई ये रहा HT20R के नाम से आ गए। तो भाई इसको पेयर कर दिया है। अब भाई चलाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अपनी वीडियो चला के एक बार आवाज़ सुनते हैं भाई कैसी आती है। तो भाई अभी मैं जो वीडियो चला रहा हूँ ये वीडियो हमारी पब्लिश नहीं हुई है, ये आज होने वाली है। और जो आप ये वाली वीडियो देखोगे तो भाई एक दिन लेट देखोगे। तो भाई पहले हम लोग चलाते हैं अपनी आज वाली वीडियो जो मैंने अभी एडिट कर रखी है। तो भाई सुनो स्टोर के नियर बाई पड़ेगा अर्चना मेडिकल स्टोर, इकलौता मेडिकल स्टोर है नेहरू प्लेस का मेडिकल स्टोर। तो मेडिकल स्टोर के बिल्कुल चार दुकान छोड़ के ये हमारा शोरूम है। भाई ज्यादा लंबा नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगी। तो भाई आप लोग ऐसी आवाज सुनना। और भाई अभी जो हमारी आवाज आप स्क्रीन पे लिख के देखो भाई कितनी प्यारी, 37 पे आवाज है अभी खाली हमारी। तो भाई ये 37 पे आप लोग आवाज सुनने, अब करते हैं भाई से फुल एक बार सो पे। भाई आवाज ये फुल है इसकी आप लोग सुनने अभी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाता हूँ भाई एक बारी कोई बेस वाला गाना भी। अब सुनते हैं भाई इसकी एक बार बेस भी ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सुन सकते हो भाई ये इसकी अभी बेस आ रही है हमारी जो बिल्कुल ही कैडी रहने वाली है। दोस्तों मैंने आप लोगों को भाई पूरा होम थिएटर दिखा दिया। प्लस भाई यहाँ पर हमारा एक और ऑप्शन है पेन ड्राइव लगाने के लिए। तो भाई इसमें पेन ड्राइव से भी गाने चल जाएंगे। और बाकी दोस्तों हमारे घर में भाई LCD वाला आ चुका है जो भाई हमारी अनबॉक्सिंग करेगा। प्लस भाई हमारे TV पैनल पे इसको टांगेगा। तो भाई आओ दिखाता हूँ आपको LCD की अनबॉक्सिंग।
तो दोस्तों हमारा टीवी पैनल भाई पूरा फिक्स हो चुका है, बारी आती है भाई टीवी पे इसको टांगने की। देन भाई इसके बाद हम लोग टीवी अपना कर देंगे स्टार्ट। सबसे पहले चलाएंगे भाई अपने चैनल की वीडियो, रोड राइडर व्लॉग की वीडियो। तो दोस्तों फाइनली अपना टीवी लग चुका और भाई देखो अपनी वीडियो टीवी में चला दी है पहली वीडियो। और भाई इस समय अपने होम थिएटर भी कनेक्ट है सोनी की, तो भाई देखो अपने दो स्पीकर हम लोगों ने यहाँ लगाए हैं, देन भाई अपना साउंड बार वहाँ पर, और भाई देखो अपना होम थिएटर यहाँ पर है और भाई बोर्ड के कनेक्शन यहाँ पर। भाई तुम्हारा भाई आ चुका है स्क्रीन पे पूरी मौज भाई 55 इंच की LCD पे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को भाई पूरा अपनी टीवी की अनबॉक्सिंग दिखा दी, प्लस भाई होम थिएटर की भी अनबॉक्सिंग दिखा दी, और भाई आप लोगों को मतलब पूरा चला के भी दिखाया, साउंड क्वालिटी भी दिखा दी है। अब भाई बात कर लेते हैं हम लोग प्राइस की। तो भाई हम लोगों को जो LCD हमारा पड़ा ये पड़ा भाई हमें 65,000 का आफ्टर डिस्काउंट, और भाई हमें होम थिएटर हमारा पड़ा है 13,000 से लेकर 14,000 के बीच के प्राइस में पड़ा है। और भाई हम लोगों ने इसका इंश्योरेंस लिया है 4 साल का, जो कि हम लोगों को पड़ा है 16,000 रुपये का। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप लोगों को पता क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए या पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन होगी भाई उसको भी दबा देना। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट फिल्म में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।